अभी हाल ही में मंदसौर की जो 7 साल की बच्ची के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई मध्य प्रदेश शासन द्वारा, पर यह जो फांसी की सजा है वह काफ़ी लेट हो गया है। तो 56 दिनों में यह सज़ा सुनाई गई है और ये लेट हो गया है। आइए हम इंदौर के कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि क्या यह फांसी की सज़ा 56 दिनों में होने के बजाय कुछ और जल्दी होनी थी, क्योंकि वह 7 साल की बच्ची थी। तो आइए हम जानते हैं इंदौर के कुछ स्टूडेंट से। हाय, हेलो। अभी जो मंदसौर में जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी रेप की केसेस बंद नहीं हो रहे, तो इस पे आपका क्या कहना है? फांसी एक ये ऐसा दंड है, और जब रेप की बात आती है तो मेरे मत के अनुसार यह निर्णय ऐसा होना चाहिए कि रात में ही कोर्ट बैठे, और जिस दिन यह सामने आता है कि किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है उसी दिन फैसला आना चाहिए। परंतु चूंकि अभी कुछ नए नए हमारे नियम बने हैं, तो किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। उस चीज़ को हम समझते हैं, और बात 7 साल की या किसी औरत या किसी युवती की नहीं है, बात यहाँ पर पूरे एक वर्ग की आती है। तो सज़ा सबको एक ही समय पर होना चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, और इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि अभी नया नियम है पर बहुत जल्दी ये होगा कि हमारी कोर्ट्स रात में बैठेंगी और हाथों हाथ डिसीजन देंगी, और ये जो भय है लोगों में वह कहीं ना कहीं कम होगा, और इस तरह की घटनाओं पर भी विराम लगेगा, इन पर भी अंकुश लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से काफ़ी देर तो लग गई है कि 56 दिनों में इसका रिज़ल्ट आया है, इसका नियम आया है, पर मेरे हिसाब से जो अभी 6 अगस्त को हमारे अमेंडमेंट में बिल पास हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें लेना देना है, क्योंकि अब जाके ये बिल आया है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों को सज़ा रेप होने पर उनको सज़ा सख्त तौर पर दी जाएगी। ये चीज़ बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो देर लगी है पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, और अच्छे बदलाव आ रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किसको? यंगस्टर्स को या लड़कियों को? डिपेंड करता है। बीइंग अ गर्ल मैं संदेश यंगस्टर्स या लड़कियों को ये तो नहीं बोलूँगी, हाँ सेफ रहिए बिल्कुल ऑब्वियसली, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है, जो कि बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, छुपा देते हैं, शर्म के मारे होती है ये चीज़ें। कभी कभार ऐसे भी होती है कि आप दुनिया के डर से कुछ नहीं बोल पाते, आपके माँ बाप आपको बोल देते हैं कि आप मत बताइए, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ उठाएंगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा। किस बारे में? जो मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और 56 दिनों में निर्णय आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 56 दिन जो लगे हैं और फांसी की सज़ा होने के बाद भी रेप केसेस बंद नहीं हो रहे हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि 56 दिन जो हो गए काफ़ी लंबा समय हो गया। अगर हम यूएई स्टेट्स की देखें तो उनको ऑन स्पॉट पूरे सारे जो पब्लिक होती है उसके सामने उनको बीहेड कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से वो सबसे सही, सबसे सटीक सज़ा है, क्योंकि आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो एक बच्ची है जिसको इस सब बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो मासूम है, अभी उसने अपना जीवन शुरू ही किया, उसके पहले आप उस पर इतनी सारी चीज़ें कर रहे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो बाकी और अनेक बच्चों को, पहले तो आप समझिए वो उसकी बच्ची, अब उसके जितने रिलेटेड है उनकी माता है उनकी बेटियों को बताएंगी कि बेटा कोई अंकल आए, कोई ऐसा है, तो दूर रहना, ये सब अच्छी बात है। पर ऐसे में ऐसी ना जाने कितनी बच्चियाँ जिनकी तो बातें बाहर भी नहीं आती है। मैं इस बात से खुश हूँ कि अच्छा है कि कोई निर्णय ज़रूर आया, पर मैं इस बात से मुझे दुख भी होता है कि इसमें 56 दिन लगने जैसी कोई बात नहीं थी। ये निर्णय उस तत्कालीन भी लिया जा सकता था, बिल्कुल लिया जा सकता था, क्योंकि ये एक शर्मनाक घटना है जिसका तत्कालीन निर्णय आता तो ज़्यादा बेहतर होता। पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे 56 दिन ही मान लीजिए, पर ये बात सही है कि फांसी मिली है तो ये अच्छी बात है कि फांसी मिली है, लेकिन इससे भी कुछ और कठिन सज़ा मिलनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो माइनर है अभी गर्ल्स, उनके साथ कुछ ऐसा काम अगर वो करे, स्पेशली उनके लिए तो, और जिन्होंने ये काम किया उनके साथ तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब हम हमारी बचपन से हम बच्चों को जो सिखाएंगे कि आपको डरना नहीं है, आपको बोलना है, आपको बताना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो यू हैव टू टेल, तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि 56 दिन ही सही, बट थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, और कठिन कुछ होना चाहिए था कि मेरे हिसाब से अगर किसी दिन यहाँ कहीं कंट्रोल करने लग गई तो मैं तो सबके सामने उस इंसान का धड़ सिर से अलग करने का मैं दिल से चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि लोग डरे, किसी बच्ची की तरफ आँख उठा के देखने से भी डरे कि हमारा क्या होगा इसके बाद। बस वेलकम।
तो ये थे कुछ यंगस्टर्स जिनका कहना है कि आप आवाज़ उठाएं अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और यंगस्टर्स का ये कहना है कि वह इसके लिए अलर्ट है और वह इसके लिए और भी कड़े नियम लागू करने के इच्छुक है। वह मध्य प्रदेश शासन को ये कहना चाह रहे हैं कि वह इसके लिए और भी कड़े नियम लागू करने के लिए इच्छुक हैं। कैमरे पर्सन अरुण यादव के साथ प्राजक्ता अंकलीगर, MP News, इंदौर।